नमस्कार। दिव्यांग शख्सियत में आज एक बार फिर से बात दृष्टिबाधित शख्सियत की, और आज मैं चर्चा करना चाहूँगा देश के एक ऐसे ब्लाइंड नेता के बारे में जिनकी लोकप्रियता के किस्से किंवदंतियाँ आज भी समाज में मौजूद हैं, प्रचलित हैं, जिनको कभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चुनाव में हारें या जीतें, लेकिन जब कभी भी जनता के हक की लड़ाई की बात आई तो वो जनता के साथ खड़े दिखाई दिए। एक ऐसे नेता जो परिवारवाद की राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखते थे, और वो कहते भी थे कि मैं अपने पुत्र की पैरवी करके धृतराष्ट्र बनना नहीं चाहता, जो कहते थे कि मेरे अनशन करने से किसी गरीब के घर का चूल्हा जलता हो और उसे दो वक्त की रोटी मिलती हो तो ऐसे अनशन मैं रोज़ कर सकता हूँ, जिनके भाषणों के ना केवल दूसरे नेता अपितु तत्कालीन प्रधानमंत्री भी कायल थी। जब वो पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते तो एक बड़े समाचार पत्र की हेडलाइन थी कि एक रंक ने राजा को पटकनी दे दी। जब वो दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीते तो एक बड़े समाचार पत्र में हेडलाइन छपी थी कि एक ऐसा उम्मीदवार जो जनता को नहीं देख सकता, वहीं दूसरा एक ऐसा उम्मीदवार जिसे जनता नहीं देख सकती। इस तरह की हेडलाइन बड़े समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देश के दृष्टिबाधित सांसद स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री जी के बारे में, जिन्होंने अपने कार्यकाल में जनता के लिए अनशन भी किए तो जनता के लिए निर्माण कार्य भी किए। दो बार वो विधायक रहे, दो बार लोकसभा सांसद भी रहे। मैं यमुना प्रसाद शास्त्री जी के विषय में चर्चा करूं, उससे पहले राजनीति में विकलांगों का आज तक का इतिहास क्या रहा है उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। भारतीय राजनीति में दिव्यांगों के इतिहास की बात करूं, उनकी भूमिका की बात करूं, तो अब तक आज़ादी के बाद से लेकर 4 दिव्यांग सांसद और 8 विधायक हुए हैं। 4 दिव्यांग सांसदों में 3 दृष्टिबाधित थे और 1 लोकोमोटर दिव्यांग। विधायकों की बात करूं तो इन विधायकों में एक विधायक ऐसे भी थे जो कि 2 बार राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाला। 4 सांसदों में सबसे पहले नाम आता है सदन चंद्र गुप्ता जी का, जो कि वेस्ट बंगाल से थे, कम्युनिस्ट पार्टी से थे और आज़ादी के बाद प्रथम लोकसभा जब चुनाव हुआ तब उसमें विजयी रहे। दूसरे सांसद थे दृष्टिबाधित मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी, जो कि राजस्थान से थे, सांसद रहे, लेकिन वो सांसद का चुनाव लड़ने से पहले 1946 में जब भारतीय संविधान के लिए ड्राफ्ट कमेटी बनी थी उसका वो हिस्सा रहे, सदस्य रहे। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मिलकर उन्होंने संविधान को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। लोकोमोटर दिव्यांग की बात करूं तो जयपाल रेड्डी का नाम आता है। स्वर्गीय जयपाल रेड्डी भी कई बार सांसद रहे, कई मंत्रालयों को संभाला, क्योंकि उनकी क्षेत्रीय पार्टी ने कांग्रेस को कई बार समर्थन दिया। आंध्रा से आते थे और वहाँ पर उन्होंने दिव्यांगों के लिए काम किए, आंदोलन भी किए। चौथा नाम आता है यमुना प्रसाद शास्त्री जी का। शास्त्री जी 2 बार विधायक रहे, 2 बार लोकसभा सांसद रहे। वर्तमान की बात करूं तो देश में कोई दिव्यांग सांसद नहीं है, राज्यसभा सांसद नहीं है। पूरे देश में केवल 1 विधायक है, वो आम आदमी पार्टी से हैं। कई दशकों तक राजनीति में विकलांगों की उपस्थिति रही है और विकलांग चुनाव जीतते रहे, और तब तक जीतते रहे जब तक चुनाव महंगे नहीं हो गए। जब से चुनावों में सेवकों का स्थान बाहुबलियों ने ले लिया, चुनाव पैसे से पैसे के लिए लड़े जाने लगे, तब से विकलांगों की एंट्री भी बंद हो गई, और उसके बाद विकलांगों ने राजनीति में आरक्षण की मांग की, लेकिन पार्टियां एक दूसरे पर डालती रही, सरकारें डालती रही, उस पर किसी भी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया,
इसके लिए कई बार आंदोलन होते रहे, आज भी मांग की जाती रही है, अभी भी कई आंदोलन हुए हैं, पिछले वर्ष भी, उससे पहले भी, लेकिन सफलता नहीं मिली। लास्ट चुनाव की बात करूं लोकसभा चुनाव की, तो उसमें झारखंड से एक दृष्टिबाधित चुनाव में खड़े हुए, हार गए। 2004 में अटल बिहारी जी के समय लखनऊ से एक दृष्टिबाधित, जिनकी उम्र 52 वर्ष थी, वो चुनाव में खड़े हुए, वो भी चुनाव हार गए। और इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव जब से महंगे हो गए, चुनावों में चरित्र बदलने लगे, राजनीति का स्वरूप बदला, तब से विकलांगों की एंट्री भी चुनावों में बंद हो गई। लेकिन जब कभी भी दिव्यांगों को राजनीति में राजनीति करने का मौका मिला, तो एक स्वच्छ साफ सुथरी राजनीति की, कभी अपने ऊपर दाग नहीं लगने दिया, कोई घोटाले में नाम नहीं आया, ना ही संसद की गरिमा को तार तार करने का नाम आया, और ना ही संसद में जाकर वो सोए। उन्होंने जनता के लिए काम किया, एक सेवक के रूप में काम किया, और यही कारण रहा कि वो कभी भी किसी भी घोटाले से उनका नाम को नहीं जोड़ा गया, उन सब से वो दूर रहे। आजकल कितने ही घोटाले होते हैं, नेता जेल जाते हैं, फिर चुनाव में आते हैं और जीत जाते हैं, और जेल में रहकर भी चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन ये अफसोस है, दुर्भाग्य है कि देश का संविधान ये कहता है कि जहाँ पर समानता की बात की जाती हो, लेकिन यहाँ राजनीतिक समानता में कोई स्थान दिव्यांगों को नहीं है, इसे दुर्भाग्य कहेंगे। साफ सुथरी राजनीति करने वालों में यमुना प्रसाद शास्त्री जी का भी नाम आता है। शास्त्री जी का जन्म 12 जून 1927 को मध्य प्रदेश में जो जिला है रीवा, आज़ादी से पहले एक रियासत हुआ करती थी, इसी में एक गांव है सूरा, वहां पर इनका जन्म हुआ। उनके पिता विंदे प्रसाद पौराणिक जी, माता का नाम था सुशीला देवी। शास्त्री जी आरंभ में ब्लाइंड नहीं थे, दृष्टिवान थे और पढ़ने लिखने में भी होशियार थे। स्कूली शिक्षा उन्होंने अपने क्षेत्रीय स्कूल से की, उसके बाद में कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन कॉलेज लाइफ से वो जो भारतीय राजनीति उस समय चल रही थी, विशेष रूप से जो आज़ादी की लड़ाई, भारत छोड़ो आंदोलन का दौर था, उसमें उन्होंने पहली बार अपने कॉलेज की तरफ से स्टूडेंट लाइफ में हिस्सा लिया आज़ादी की लड़ाई में। और 1934 में सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी की भी स्थापना हो चुकी थी, जेपी नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और उनके जो साथी थे, उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी थी। आगे चलकर वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ते हैं, उनकी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। अब बात आती है आज़ादी के बाद की, और आज़ादी के बाद में पूरे देश में एकीकरण का काम चल रहा था। पूर्वी जो क्षेत्र था विंध्य क्षेत्र, उसमें कई ऐसी छोटी छोटी रियासतें थीं, उनका एकीकरण करने का काम चला, और उस समय आंदोलन होता है, उस आंदोलन में शास्त्री जी हिस्सा लेते हैं, एकीकरण भी होता है और रीवा को उस समय राजधानी बनाया जाता है। उसके बाद लगातार वो सक्रिय रहे राजनीति में। आगे चलकर विधानसभा लोकसभा चुनावों में भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और एक दौर था कि कम्युनिस्ट जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसके देश में अच्छी खासी सीटें आई थी, 10-11 सीटें आई थी। प्रथम चुनाव में जो विधानसभा चुनाव थे उसमें शास्त्री जी हार गए थे, और दूसरा चुनाव में उनको टिकट दिया, लेकिन वो 1957 का जो चुनाव था उसमें भी वो हार गए।
उसी समय 57 में पहली बार लोकसभा का चुनाव रीवा में हुआ था और शिव दत्त उपाध्याय सांसद चुने गए और उसके बाद भी वो सांसद वहाँ से चुने गए, लेकिन यमुना प्रसाद शास्त्री जी उस समय विधायक का चुनाव लड़े थे और कांग्रेस की चंपा देवी से वो हारे थे। लेकिन चुनाव आगे 1962 और 67 में वो जीतते हैं और वो 10 साल विधायक रहते हैं। लेकिन उससे पहले एक आंदोलन जो पूरे देश में जोर पकड़ रहा था, कांग्रेस को घेरा जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस उस आंदोलन को लेकर जवाब नहीं दे रही थी, एक कह सकते हैं कि निष्क्रिय थी सरकार। उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार ही हुआ करती थी और यह आंदोलन था गोवा मुक्ति आंदोलन, और इसकी जो पृष्ठभूमि तैयार की थी वो राम मनोहर लोहिया जी ने 1946 में ही कर ली थी। उसके बाद में वो महात्मा गांधी से मिलते हैं, महात्मा गांधी से कहा जाता है कि अनुमति उनको मिली और लोहिया जी ने इस आंदोलन को गति दी। उसके बाद में जंग संघ के जो नेता थे वो भी इस आंदोलन में जुड़े और फैसला किया कि गोवा को अब मुक्त कराया जाए। कांग्रेस का शांत रहने का एक बड़ा कारण ये भी था कि पुर्तगाल जो है नाटो का हिस्सा था और इसी वजह से वो पंगा नहीं लेना चाह रहे थे। लेकिन आज़ाद हो गया देश और देश आज़ाद हो गया उसके बाद भी गोवा गुलाम बना हुआ था। ये पूरे देश में जो नेता थे दूसरे उनको खटक रही थी बात। तो 1955 में आंदोलन होता है और उसका नेतृत्व करते हैं राम मनोहर लोहिया जी। इसमें पुर्तगाली पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज होता है और उसी लाठी चार्ज में यमुना प्रसाद शास्त्री जी की दाई आंख की रोशनी चली जाती है। लेकिन उसके बाद भी वो सक्रिय रहते हैं राजनीति में, चुनाव भी लड़े जैसा कि मैंने ऊपर बताया, 62 का चुनाव उन्होंने जीता, 67 का चुनाव जीता। बात आती है 1972 की, उस समय भी उनको टिकट मिला लेकिन कांग्रेस के राजमणि पटेल से वो चुनाव हार जाते हैं। और मैंने कहा कि उनको चुनावी हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जनता के सेवा करना चाहते थे। आगे चलकर जेपी नारायण के आंदोलन का भी जोर था, सिंहासन खाली करो जनता आती है नारा पूरे देश में चल रहा था। और उधर कांग्रेस सरकार की तरफ से, इंदिरा सरकार की तरफ से इमरजेंसी की तैयारी हो चुकी थी और उसी तैयारी के विरोध में, उसी इमरजेंसी के विरोध में यमुना प्रसाद शास्त्री जी किसान आंदोलन की अगुवाई करते हैं और एक बार फिर से उनको लाठियों का सामना करना पड़ता है। पहली बार विदेशी जो पुलिस थी, कारिंदे थे, उन्होंने एक आंख की रोशनी छीन लेनी थी और दूसरी आंख की रोशनी उस आंदोलन में अपनों ने ही छीनी। उनकी बाई आंख की रोशनी भी चली जाती है। और इतना ही नहीं, इमरजेंसी जब लगी तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। 19 महीने तक वो जेल में रहे। जब इमरजेंसी का दौर ख़त्म हुआ तो पूरे देश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश था, रोष व्याप्त था। 1977 में चुनाव की तैयारी होती है, लोकसभा चुनाव होते हैं और लोकदल पार्टी से, जो कि राष्ट्रीय पार्टी थी, उससे उनको यमुना प्रसाद शास्त्री जी को चुनाव में टिकट मिलता है। और जब टिकट मिलता है उनको रीवा से, तो उनके सामने रीवा नरेश मारदंड सिंह जी भी थे, वहाँ के राजा, जो कि 1971 में चुनाव जीत चुके थे, निर्दलीय चुनाव लड़े। इस बार भी निर्दलीय थे 1977 में भी, लेकिन कांग्रेस का उनको समर्थन था। इस चुनाव में यमुना प्रसाद शास्त्री जी विजयी होते हैं और महाराजा पराजित हो जाते हैं। 6693 वोटों से शास्त्री जी ने जीत हासिल की और उस समय एक
बड़ी खबर थी ये मीडिया में, और इसीलिए मैंने कहा कि एक अखबार में हेडलाइन छपी कि एक रंक ने राजा को पटकनी दे दी। आगे चलकर 1980 का चुनाव भी वो लड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्यकाल पूरा नहीं होता है, मध्य अवधि चुनाव आ जाते हैं, और यही कारण था कि उनका कार्यकाल बहुत ज़्यादा नहीं रहा। 80 का चुनाव वो हार जाते हैं, बालगण सिंह निर्दलीय लड़ते हैं वो जीत जाते हैं। 84 का चुनाव भी वो हार जाते हैं, यमुना प्रसाद शास्त्री जी, और उस समय कांग्रेस के टिकट पर लड़े बालगण सिंह जो कि राजा थे रीवा के, वो विजयी होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह है, यमुना प्रसाद शास्त्री जी ने कभी सिद्धांतों से विचारों से समझौता नहीं किया, चाहे पराजित हुए, लेकिन उन्होंने अपने जो राजनीति है उसको बनाए रखा, जनता के लिए लड़ते रहे। अगला चुनाव भी आता है और ये चुनाव था 89 का। 89 में चुनाव आता है और इस बार उम्मीदवार थी रीवा की महारानी प्रवीण कुमारी देवी। प्रवीण कुमारी से मुकाबला था और इस चुनाव में भी जब रिजल्ट आया तो एक बड़ी हेडलाइन समाचार की बनी, और वो हेडलाइन थी जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि एक ऐसा उम्मीदवार जिसने कभी जनता को नहीं देखा, वहीं दूसरा एक ऐसा उम्मीदवार जिसको जनता ने नहीं देखा, क्योंकि रीवा की जो आधी आबादी थी उसने कभी प्रवीण कुमारी को नहीं देखा और उनसे नहीं मिल सकती थी। इसीलिए एक बड़े समाचार पत्र की यह हेडलाइन थी, इस बार यमुना प्रसाद शास्त्री जी विजयी होते हैं और महारानी पराजित हो जाती हैं। 1991 में चुनाव लड़ते हैं, फिर वो हार जाते हैं। इस बार बसपा की सीट आती है, 96 का चुनाव भी हार जाते हैं। रीवा की राजनीति के विषय में यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पर कभी किसी एक ही पार्टी को बहुमत नहीं मिला। लोकसभा चुनाव में 6 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी, 3 बार बहुजन समाजवादी, फिर निर्दलीय समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से विजयी होते रहे, क्योंकि यहाँ पर सिक्का जनता का चलता है, जनता के रग रग में राजनीति बसी हुई है। बहुमत के आधार पर ठाकुर ब्राह्मण की राजनीति होती है, वही तय करते हैं किसको लोकसभा भेजना है, किसको राज्यसभा भेजना है। रीवा में 8 विधानसभा सीटें हैं और 77 में 89 में यमुना प्रसाद शास्त्री जी यहाँ पर विजयी रहे और लंबे समय तक यहाँ से जुड़े रहे, आंदोलन भी किए, किसान आंदोलन भी किए, गरीबों के लिए आंदोलन यहाँ से किए उन्होंने, तो उनकी एक अपनी अलग पहचान थी। हालांकि 96 का चुनाव भी वो हार गए, लेकिन उनके अनशन और आंदोलन कभी ख़त्म नहीं हुए। एक बार उनके किसी करीबी ने कहा था कि शास्त्री जी अब बहुत समय हो गया, अपने बेटे के लिए भी सोचिए, तो उन्होंने कहा कि मैं ब्लाइंड हूँ और अपने बेटे के लिए राजनीति में पैरवी करके धृष्टराष्ट्र बनना नहीं चाहता। तो इस तरह के उनके विचार थे। इसके अतिरिक्त अनशन उनके जीवन भर चलते रहे, आंदोलन उनके जीवन भर चलते रहे, और इन्हें अनशन को देखते हुए उनके पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा था कि शास्त्री जी अब बहुत उम्र हो गई है, इतना अनशन ना कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे अनशन करने से किसी गरीब के घर का चूल्हा जलता हो, उसकी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होता हो, तो फिर ऐसे आंदोलन फिर रोज़ मैं कर सकता हूँ, ये उन्होंने कहा था। इस तरह की राजनीति वो किया करते थे, इसीलिए मैंने कहा था कि एक साफ सुथरी राजनीति वो करते थे। सिद्धांतों से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया, विचारों से समझौता नहीं किया, जो उनके विचार पहले थे वही उनके अंत तक रहे। कई क्षेत्रों में उन्होंने कार्य करवाए, सड़क निर्माण, पुल निर्माण, स्कूल भवन,
आदि के निर्माण करवाए। हालांकि उनके लोकसभा जो कार्यकाल थे दोनों बार वो बहुत कम रहा, मध्य अवधि चुनाव के कारण। विधानसभा कार्यकाल उनका काफ़ी रहा, उसमें उन्होंने काम किए। और इन्हीं कार्यों में से एक विकलांगों के लिए बड़ा कार्य था, दृष्टिबाधितों के लिए स्कूल खोला रीवा में, उसकी स्थापना की, 12वीं तक स्कूल है। मेरे भी कई मित्र वहाँ से पढ़ाई किए हैं रीवा स्कूल से। तो रीवा स्कूल, ब्लाइंड स्कूल की भी स्थापना उन्होंने की। 20 जून 1997 में इस महान शख्सियत का निधन हो जाता है। और कहा जाता है कि इनके निधन पर जब इनके शव यात्रा निकाली जा रही थी तो भारी संख्या में लोग सड़कों पर थे, इनके शव यात्रा में शामिल हुए, दूर तक पुष्प बिछाए गए और इस तरह से इनको अंतिम विदाई दी, श्रद्धांजलि दी। और यही कारण है कि इनका सीधा जुड़ाव जनता से था, जनता इसीलिए इनके कार्यों के लिए याद करती है, इन्हें याद रखती है, क्योंकि हर वक्त हर समय गरीबों के साथ, किसानों के साथ ये खड़े दिखाई दिए, उनकी लड़ाई लड़ी। रीवा प्रदेश से ये जुड़े रहे, वहाँ के किसान आंदोलन, गरीबों के लिए आंदोलन, छात्र आंदोलन, वहाँ के जो एकीकरण से जुड़ा आंदोलन था, उन सब से ये जुड़े रहे। एक लंबी राजनीतिक पारी इन्होंने खेली। रीवा का गौरवशाली इतिहास रहा है, सफ़ेद बाघों की धरती कहा जाता है। और सफ़ेद बाघों के लिए मुझे एक किंवदंती याद आई जो मैंने कहीं पढ़ी थी, और वो ये कि आज़ादी से पहले रीवा एक रियासत हुआ करती थी। और यहाँ पर कहा जाता है कि कोई महाराजा जब किसी शेरनी का शिकार करता था तो उस राजा को शेरनी के जो बच्चे होते थे, श्रावक होते थे, उनका भी शिकार करना पड़ता था। 1951 में महाराजा मारडंड सिंह ने एक शेरनी का शिकार किया जंगल में, और उसके 3 बच्चे भी थे। उनमें से 2 का शिकार उन्होंने कर दिया, लेकिन 1 को छोड़ दिया था। और वो उसको इसलिए कि वो सफ़ेद श्रावक था, उसे अपने साथ लेकर महलों में आ गए, उसका संरक्षण किया और उसका नाम रखा गया मोहन। और कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी सफ़ेद बाघ हैं उसी मोहन की संतान है। अमेरिका के राष्ट्रपति गेविड, जो कि 1961 में थे, उन्होंने भी इसी क्षेत्र से शेर की मांग की थी, बाघ की मांग की थी, सफ़ेद बाघ की, और यहाँ से वो भेजा भी गया था। तो यहाँ पर शेरों के भी किस्से हैं, राजाओं के भी किस्से हैं, राजनीति राजाओं ने भी की, विकलांगों ने भी की और किसानों ने भी की। यानी कह सकते हैं चाहे राजा हो, छात्र हो, गरीब हो, हर किसी ने यहाँ पर राजनीति की और सबको सेवा करने का अवसर यहाँ की जनता ने दिया है। तो इस तरह का सफ़र शास्त्री जी का रहा, राजनीतिक सफ़र, और यही कारण है कि जनता उन्हें याद करती है और आगे भी करती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे मैं एक और दिव्यांग शख्सियत के साथ उपस्थित होऊंगा, और हेलन केलर दिवस भी आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि हेलन केलर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस बार रखूं। और मैं पहले YouTube पर सारी चीज़ें देखता हूं, और मेरी कोशिश रहती है कि जो चीज़ें उस पर नहीं हैं वो मैं अपने वीडियो में शामिल करूं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं काफ़ी दिन से कि हेलन केलर से संबंधित जो उनके पर चोरी के आरोप लगाए गए, कम्युनिस्ट होने के जो किस्से हैं, इसके अतिरिक्त उनके जो अफेयर को लेकर जो बातें कही जाती हैं, उनके जो बीमारी थी उसको लेकर आज भी रिसर्च जारी है, उस पर किसी नतीजे पर डॉक्टर नहीं पहुंच पाए अमेरिका में, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी कि किस तरह से उन्होंने सीखा। उससे पहले भी एक दृष्टि डेफ एंड ब्लाइंड लड़की थी हेलन जैसी, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली, जबकि हेलन से पहले उसने ये भाषा, ये सारी चीज़ें सीख ली थी। तो उसका क्या कारण था, तो ये तमाम
जो है हेलन केलर से जीवन से जुड़ी विषयों पर बात करूंगा, और इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि विभिन्न वेबसाइट जो है संग्रहालय उनसे तथ्य इकट्ठा करूं, और ज़रूर सुनिएगा। और इससे पहले भी मैंने लुई ब्रेल साहब और दूसरे कई दिव्यांग शख्सियत के विषय में रिकॉर्ड किया है, तो उसको भी सुनिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पिछला जो दिव्यांग शख्सियत के विषय में मैंने रिकॉर्ड किया, वीडियो तैयार किया, उसको पसंद किया, तो उसके लिए आपको शुक्रिया। आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।